माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना और एक्टिव वॉइस भी बता दिएगा। एक्टिव वॉइस का मतलब जो भी टेंस आप पढ़े हैं वो सब एक्टिव वॉइस था और उसी का पैसिव वॉइस में बताया गया था चेंज करना। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप वाक्य के हिंदी वाक्य को कैसे जान पाएंगे कि वह एक्टिव वॉइस का है कि पैसिव वॉइस का है। जब आप हिंदी में वाक्य को पहचान लेंगे कि वह एक्टिव वॉइस का है तो उसका नियम एक्टिव वॉइस पर चलेगा, और जब पहचान लेंगे कि यह वाक्य पैसिव वॉइस का है तो पैसिव वॉइस में आप उसको बनाएंगे। तो देखिए, जो वॉइस होता है वॉइस, इस वॉइस में वाक्य होता है। वॉइस को दो भागों में बांटा गया है, पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। तो जो आप जितना टेंस पढ़े हैं सब एक्टिव वॉइस था, और जो आपको पीछे ही एक्टिव वॉइस जो बताया कि पैसिव वॉइस, वो सारे पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का नियम आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब मैं बताऊंगा कैसे जान पाएंगे कि कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है कि पैसिव वॉइस का, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ता है और यहाँ पर ता है, दोनों जगह ता है, तो आप समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पर इसमें से एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है और एक सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस का है। तो आप किस तरह से जान पाएंगे कि वह एक्टिव वॉइस का है सेंटेंस और यह पैसिव वॉइस का है? तो देखिए, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं इसको जान लीजिए। एक्टिव वॉइस यदि किसी वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन करता हो, अर्थात कर्ता कार्य करता हो, तो उस वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया होगी, जो वर्ब होगा, वह एक्टिव वॉइस में होगा। अर्थात उसे हम समझ जाएंगे कि वह जो वर्ब है एक्टिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस में करें, यदि वाक्य का कर्ता यानी सब्जेक्ट सक्रिय न हो, सक्रिय न हो अर्थात कार्य न करे, क्रिया का संपादन न कर रहा हो, वह क्रिया का संपादन न कर रहा हो बल्कि क्रिया उसी पर संपादित हो, तो वह जो वर्ब होगा पैसिव वॉइस में होना समझा जाता है। जैसे देखिए, आपको बताया गया कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट क्रिया का संपादन करे, कार्य करे, तो वह क्रिया जो है एक्टिव वॉइस में समझी जाती है। यदि अगर वाक्य का कर्ता सक्रिय न हो अर्थात कार्य न करे, वह क्रिया का संपादन न करे बल्कि क्रिया वह उसी पर संपादित हो, तो वह क्रिया समझी जाती है पैसिव वॉइस में। जैसे देखिए, यहाँ पर राम पढ़ाता है, या जो भी टेंस होगा एक्टिव वॉइस होगा तो एक्टिव वॉइस का नियम लगाएंगे, पैसिव वॉइस होगा तो पैसिव वॉइस का, जिस भी टेंस का होगा। राम पढ़ाता है तो राम पढ़ाने का कार्य कर रहा है, राम सक्रिय है, राम क्रिया का संपादन कर रहा है, राम पढ़ाने का कार्य कर रहा है। अर्थात जब वो हिंदी वाक्य का कर्ता कार्य करे तो वह क्रिया जो है एक्टिव वॉइस में समझा मतलब समझी जाती है। तो जैसे देखिए, जब ये एक्टिव वॉइस हो गया, राम पढ़ाता है, और देखिए इसमें इसी बात में यहां पर देखिए राम को पढ़ाया जाता है, इसमें भी देखिए ता आया, इसमें भी आया, दोनों पढ़ने की डिफिनेशन है, परंतु यहां देखिए राम को पढ़ाया जाता है, तो राम को पढ़ाया जाता है तो राम पढ़ाने का कार्य कर रहा है कि इसी को पढ़ाया जा रहा है? यहां देखिए राम पढ़ाने का कार्य नहीं कर रहा बल्कि जो वर्ब यानी क्रिया है राम को पढ़ाने का कार्य कर रही है, और जो ये राम है ना कि राम पढ़ाने का, राम को पढ़ाया जा रहा है, इस कारण से यहाँ पर ये जो क्रिया है इस कर्ता का संपादन कर रही है, न कि कर्ता क्रिया का संपादन कर रहा है। परंतु यहाँ पर देखिए राम पढ़ाता है, राम पढ़ाने का कार्य कर रहा है, इसलिए यह कार्य कर रहा है, वाक्य का कर्ता सक्रिय है, क्रिया का संपादन कर रहा है, इसलिए इस पढ़ाता शब्द को हम एक्टिव वॉइस वर्ब समझेंगे। और राम को पढ़ाया जाता है, राम यहाँ पर पढ़ाने का कार्य नहीं कर रहा है
बल्कि क्रिया इसी को पढ़ाने का कार्य कर रही है, अर्थात जो ये क्रिया है इसी का संपादन कर रही है। इस कारण से इसमें जो ये वर्ब है इसको पैसिव वाइज समझा जाएगा। और एक और बात है, अगर वाक्य में देखिए ये वर्ब एक आया हुआ है और एक जाता भी आता रहता है, इससे भी पता चल जाता है कि वह वाक्य जो है पैसिव वाइज का है। यहाँ देखिए राम को पढ़ाया जाता है और राम पढ़ाता है, तो ये देख रहे कि जब राम काम कर रहा है इस कारण से एक्टिव वर्ब है और राम को पढ़ाया जाता है इस कारण से यह क्या है पैसिव वर्ब है। अब देखिए पेड़ लगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, अब पेड़ लगाता है कि कड़वे को लगाया जा रहा है, पेड़ को ही लगाया जा रहा है, यानी क्रिया इसी का संपादन कर रही है, लगाने का कार्य कर रही है पेड़ को, इस कारण से यह जो है जाता भी आया है, इस कारण से यह जो है यह जो क्रिया है यह पैसिव वर्ब का है। याद है कि मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, तो मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, तो क्रिकेट खेला जाता है, तो देखिए क्रिकेट खेल नहीं रहा है, इसी को क्रिया खेलने का कार्य कर रही है और यह जो क्रिया है इसी को संपादित कर रही है, इस कारण से जो खेलना क्रिया है या जो है यह पैसिव वर्ब का होगा। याद है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो जो यह मैं है खेलने का कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखिए क्रिया मैं जो है खेलने का क्रिकेट खेलने का कार्य कर रहा है, न कि क्रिया उसे खिला रही है, यानी क्या खेलने का कार्य कर रहा है, यानी इसलिए यहाँ पर क्या है अभी जो क्रिया खेलना है यानी खेलता है ये एक्टिव वर्ब है। और यहाँ पर देखिए राम को प्यार किया जाता है, राम को प्यार यानी जो प्यार किया जाता है यानी प्यार करना जो है राम को ही किया जाता है, न कि राम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर यह कार्य नहीं कर रहा है, यह सक्रिय नहीं है, इसलिए जो यह क्रिया है यह पैसिव वर्ब में है। उसी तरह देखिए हमसे नफरत की जाती है, हम नफरत नहीं करते हैं बल्कि हम ही से की जा रही है, हम ही क्रिया नफरत करने का कार्य हम ही से, तो इस कारण से यह अभी जाती आती है। इसमें देखिए खेलता हूँ, इसमें कुछ नहीं आया, इसमें एक नफरत करना है, इसमें जाता भी आता है, इसलिए वाक्य जो है पैसिव वर्ब का है। हम तुमसे नफरत करते हैं, तो देखिए हम तुमसे नफरत करते हैं, तो हम नफरत करने का कर्ता कार्य कर रहा है कि नहीं नफरत करने का, तो देखिए ये जो कर्ता है नफरत करने का कार्य कर रहा है, इसलिए यह जो है नफरत करना यह एक जो है एक्टिव वर्ब का वाक्य है। तो अगर आप समझ गए कि यह एक्टिव वर्ब और पैसिव वर्ब का वाक्य है, तो इसको जो रूल होगा अगर एक्टिव वर्ब का वाक्य होगा तो एक्टिव वर्ब का नियम लगाएंगे, अगर पैसिव वर्ब का होगा तो पैसिव वर्ब का लगाएंगे। तो देखिए राम पढ़ाया, राम पढ़ाता है तो राम पढ़ाने का काम कर रहा है, इसलिए यह जो है वाक्य एक्टिव वर्ब का, इसलिए इसका नियम जो है जब ट्रांसलेशन इसको बनाएंगे इंग्लिश में तो इसका एक्टिव वर्ब का नियम होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट फर्स्ट पार्ट का प्रयोग करेंगे, उसमें एसेंट का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से देखिए यहाँ पर राम पढ़ाने का अंग्रेजी हो जाएगा टी, आईसी में क्या लगा देंगे यस टीचे। अब देखिए राम को पढ़ाया जाता है, तो राम को पढ़ाया जाता है तो राम नहीं पढ़ाने का काम कर रहा है, इसी को पढ़ाया जा रहा है, तो यह पढ़ाया जाता है, यह आपका किसी के द्वारा पढ़ाया जाता है, यानी यह वाक्य पैसिव वॉइस का है, तो पैसिव वॉइस में नियम रखेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि पैसिव वॉइस में क्या और किसके द्वारा हम सब्जेक्ट को खोजेंगे, सब्जेक्ट को जो करता होगा उसको क्या और किसके द्वारा खोजेंगे, और एक्टिव वॉइस होता है तो उसमें सब्जेक्ट को कौन द्वारा हम खोजने का काम करते हैं, कौन द्वारा सब्जेक्ट को खोजेंगे एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में कौन द्वारा और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को जानने के लिए क्या और किसे शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए राम को पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, कुछ नहीं है, किसे पढ़ाया जाता है राम को, तो यहाँ पैसिव वॉइस का पैसिव वॉइस का नियम लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट प्रयोग होंगे राम, यह आपका पैसिव वॉइस है तो आपको मालूम है पॉजिटिव रिपीटेड के पॉजिटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस का रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट की जमात थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो बचेगा रखेंगे, फिर बाय लगाकर जो जिसके द्वारा होता है उसको रखते हैं, तो यहाँ पर हो गया राम इज, आप पढ़ा लीजिए हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसलिए हो जाएगा टा। पेड़ लगाए जाते हैं, तो देखिए लगाए जाते हैं ये भी पैसिव वॉइस हो गया, पेड़ लगाए जाते हैं आपको बताया गया कि लगाए भी आया है जाते भी आता है, इसी से हम समझ जाए कि पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रीज। अब आर प्लांटेड, इसमें पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग, मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है,
जिसके द्वारा काम होगा उसको बाद में रखेगा बाई के बाद। तो याद रखिए क्या खेला जाता है, क्रिकेट आपका उत्तर आया क्रिकेट, ये भी पांचवी बाई है क्रिकेट, इसमें हो जाएगा इज आप खेलने का प्ले फॉर्म रखेंगे पांचवी बाई का प्ले, आप किसके द्वारा मेरे द्वारा, तो मेरे के लिए पहले बाई मी, मैं क्रिकेट खेलता हूं, एक ही बाई थी कि पांचवी बाई, देखिए खेलता हूं मतलब खेलता हूँ खेला नहीं जाता, यह एक्टिव आयत का वाक्य, तो एक्टिव आयत में एक्टिव आयत का रूप लगाएंगे, जैसे आई आखिर खेलना के अंग्रेजी हो जाएगा प्ले क्रिकेट। उसी तरह देखिए राम को प्यार किया जाता है, तो राम को प्यार किया जाता है पैसी वाय से प्यार करना या जाता भी आ गया, ये पैसी वाय इसको राम को, राम नहीं करा राम ही को किया जा रहा है, अर्थात ये पैसी वाय का सेंटेंस है, तो पैसी वाय का राम इज थर्ड फॉर्म हो जाएगा लव, हमसे नफरत की जाती है, हम नफरत नहीं करते हमी से की जाती है, अर्थात क्रिया हम ही पर लागू हो जा रही है, इस कारण से पैसी वाय से वी आर एटेड, हम तुमसे नफरत करते हैं, तो हम करते हैं यानी हम देखिए सब्जेक्ट सक्रिय है कार्य कर रहा है, तो इस काम से यह आपका सेंटेंस हो जाएगा एक्टिव आयत, जब वाक्य का कर्ता सक्रिय होता है क्रिया का संचालन स्वयं करता है तो वह आपका सेंटेंस एक्टिव आयत होता है, जैसे देखिए वी नफरत करने का हेड You. Had you. इस तरह से आपको बताया गया कि जब वाक्य का कर्ता सक्रिय हो क्रिया का संचालन कर रहा हो तो वह क्रिया एक्टिव आयत में समझी जाती है, और जब वाक्य का कर्ता सक्रिय न हो क्रिया का संचालन न कर रहा हो बल्कि क्रिया इसी पर संचालित हो रही हो तो वह क्रिया जो है पैसिव आयत में समझा जाता है, और जब वो पैसिव आयत में होगा तो पैसिव आयत का रूल लगाएंगे, अगर एक्टिव आयत का होगा तो एक्टिव आयत का लगाएंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।